आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कथित धांधली का छात्र खफा, आज बिहार बंद करेंगे। बंद को आरजेडी समेत महागठबंधन के सभी दलों का समर्थन, छात्रों की मांग को बताया जायज। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पर विवाद को लेकर बिहार सुलगा, 3 दिन से हिंसा। छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सियासी समर्थन, पूर्व सीएम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी का समर्थन। पंजाब में सीएम फेस पर भ्रम दूर करेगी कांग्रेस, जल्द होगा ऐलान। जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर से करेंगे प्रचार, पार्टी नेताओं से भी करेंगे मंथन। 2 बजे सदर बाजार में वोटरों से मिलेंगे नड्डा, संपर्क अभियान में लेंगे हिस्सा। जाटों को मनाने की कोशिश के बाद बीजेपी की नजर गुर्जरों पर, जल्द होगी गुर्जर नेताओं के साथ बैठक। बीजेपी आज कर सकती है यूपी के बाकी बचे उम्मीदवारों का ऐलान, आखिरी फेज की कुछ सीटें ही बाकी। अमित शाह आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में करेंगे प्रचार, घर घर जाकर करेंगे संपर्क। रुद्रनाथ मंदिर में पूजा से दौरा करेंगे शाह, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है मंदिर। सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण पर आज अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने तेज किया प्रचार, ग्रेटर नोएडा और दादरी से लेकर मथुरा तक अमित शाह ने संवाददाताओं से किया संवाद। दादरी के मतदाताओं के घर पर अमित शाह की दस्तक, लोगों के घर घर जाकर बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। ग्रेटर नोएडा से पहले मथुरा पहुंचे थे अमित शाह, सबसे पहले वृंदावन में बांके बिहारी का लिया आशीर्वाद। बांके बिहारी मंदिर में पूजा के बाद लोगों से अमित शाह का सीधा संवाद, माफिया पर एक्शन की चर्चा करके अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है, कितनी हुई है भाई? दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के बीच पाबंदियों में छूट, हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 4,300 नए मामले, 10% के नीचे पहुंचा संक्रमण दर। बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर यूपी में 15 फरवरी तक फिर स्कूल बंद, जारी रहेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। केरल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, एक दिन में करीब 52,000 नए केस।